एक फीमेल एक मेल, यहाँ इसकी थोड़ा सा इशू है, तुम बैठ जाओ। चलो भाई कौन आएगा? वो कह रहा है हुसैन मुझे और आमिर से लड़वा दिया। चलो पीछे आमिर, पीछे हो, आमिर पीछे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आमिर अकेला तुम दोनों से पतंग उड़ा देगा, जरा देखभाल के गिर ना जाना। तो रेडियो रेडियो, तो फिर रेडी गो। गाना शुरू भी नहीं हुआ, गाना शुरू भी नहीं हुआ और आमिर ने एज यूजुअल खींच लिया हुसैन को और ये दो पॉइंट्स जीते हैं चैंपियंस ने। आ जाओ चैंपियंस, देखो चैंपियंस कैसा डांस करते हैं। ये बिलाल, एक मिनट बिलाल, क्या स्टेप था जरा बताना, ये तुम्हारा ही स्टेप है, मुझे याद आ रहा है। ये तो हिलाओ, तो हिलाओ, तो पैंट बेल्ट हिलानी है, देखो मेरी खुद ही हिल रही है। बस सही है, सही है, बस सही है, पता है हमें, पता है। खैर पूरा एक मिनट मिला है दो पॉइंट के साथ साथ, खामोश उड़ा दीजिए, क्या बोलना है? मैं इनको क्या कहूँ, इनकी आंसू भरी शक्लें दिख रही हैं, शाताश रो रही हैं, इन्होंने लेंसेज लगाए हुए हैं, ये हर बात में रोती हैं, क्या कहूँ अब मैं इनको। आमिर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पर्सनल अटैक हम नहीं कर रहे, जिसकी मतलब जो लेवल है हम वो दिखा रहे हैं, और प्लीज़ जो आप देखने वाले हैं ना, ये मत सोचें कि हम इन पर पर्सनल अटैक करें। और सारे टिकटॉकर्स को बोल रहे हैं, सारे टिकटॉकर्स को नहीं बोल रहे, जो सामने बैठे हैं, और ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन में हम बोलेंगे, बेहतरीन कंपटीशन है, चैंपियंस वर्सेस टिकटॉकर्स, तो हमारा बोलना बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको गलत ना ले। ठीक कह रहा हूं आमिर भाई। सिद्रा, सिद्रा, ये मैंने जो पीला स्कूल बोला और सब्जी वाला बोला, तो आप लोग आधी बात सुनते हैं और बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपको पूरी बात समझ में नहीं आती। वो मैंने इसलिए कहा था कि अगर वो भी एफर्ट्स करता है तो मिलियन फॉलोवर्स उसके भी होंगे और मैं खुद उसे फॉलो करूँगी। पहली बात, पीले स्कूल से बहुत सारे लोग, जब प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे, ठीक है, हमारे बहुत सारे लाइक एंसेस्टर्स भी हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, लेकिन कोई भी आपकी तरह हर एक इंडिविजुअल का मजाक नहीं उड़ाता। ज़रा सा कोई गलत कुछ बोलता है, सबसे पहले आपकी आवाज़ आती है, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तो ऐसे नहीं होता। और फिर उसके बाद अब जब मीठी बन जाती है तो ऐसे नहीं होता ना, या तो विलन बन जाओ या तो हीरोइन बन जाओ। और हम विलन बन के इसलिए खुश हैं क्योंकि हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, आप लोग हमें पसंद करते हैं या आपको ज़्यादा, हम लोग जेलस नहीं होते, सही है। और विलन के बगैर मूवी अधूरी होती है, आप भूल जाती हैं। जी मैं सबसे पहले जवाब शाहताज को देना चाहूँगी। शाहताज ने बोला था कि सर्दियों में पानी से, ठंडे पानी से नहाना इतना बड़ा नहीं होता, ये बर्फ़ डाल के नहाती है, तो तुम्हें अब तक नमूनिया नहीं हुआ बर्फ़ डाल के नहाने से। और एक और बात मैं बोलती हूँ कि रबीका ने बोला कि स्ट्रगल करके और इनके पास पहले से प्लेटफॉर्म था, तो भाई बात सुनिए, हमारे हमें बोल नेटवर्क ने यहाँ पर ले गया। और एक हमेशा बात याद रखना, हीरा हमेशा तराशने से ही सामने आता है, और हम वो हीरे हैं जिसे वकार जकर ने तराशा, और हम यहाँ। अच्छा दानिश भाई, मुझे एक बात बोलनी है। बोलो बोलो। ये जो छोटू बेटा है, इसने बोला था कि मेरे फैन ही इसे बोलेंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इस पे, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हुसैन के फैन मुझे कॉल कर करके गालियां दे रहे हैं कि आप लोग हुसैन के बारे में क्यों बोल रहे हो। तो हुसैन भाई, आपने अपने मतलब फैन बनाए, वो भी फेक ही बनाए पैसा देकर, तो इस तरीके से ना करें, जेन्युइन फैन बनाए। अच्छा तुम्हें लगता है कि हुसैन के फैंस जो है वो जेन्युइन नहीं है? और आज मैंने एक नई बात भी सुनी, पता नहीं किसने कहा था, पर मैंने सुना था कि हुसैन जो है ना, वो अपने फैन पेजेस को खुद बोलता है कि मेरी तारीफें करो, मेरी तारीफें करो, और ये एक टिकटॉकर्स में से किसी ने बोला है, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।